हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल और हम कर रहे हैं साइंस ऑफ सीटेट पेपर टू, यानी आपके सीटेट पेपर टू में आने वाले जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं अचीवर्स चैनल पर। तो देखिए, इसमें मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी करा दिए हैं और वो दो वीडियोस किसके विषय में थे? एसिड्स एंड बेसिस के विषय में थे। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस हमने इसमें पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हमने इंडिकेटर्स की बात की थी कि इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीटेट में आए हुए। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो में एक तो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सारे एमसीक्यूज वो हैं जो आपके सीटेट में ऑलरेडी आए हुए हैं, यानी पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं साइंस में से, इन दो टॉपिक से, एसिड बेसिस वाला जो टॉपिक है। दूसरा वीडियो मैंने लिया था आपका सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें हमने एसिड और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स और बेसिस की, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, डाइल्यूशन कैसे होता है, एक्वारेजिया क्या है, अल्कली क्या होती है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ एमसीक्यू करते वक्त ही कवर करते चलेंगे। तो आपके जो आज की ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ कुछ चीजें जो कॉन्सेप्ट आपके बच गए थे वो भी मैं आपके यहीं पे कवर करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बेसिस इज करेक्ट। ठीक है, तो बेसिस के विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? All bases are alkalis. None of the bases is alkali. There are no more bases except the alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. तो देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आता है कि अल्कली क्या होती है। ठीक है, अल्कली क्या होती है? तो अल्कली क्या होते हैं? वॉटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, ऐसे बेसिस, ऐसे क्षार जो आपके वॉटर में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कली। एल्कली आपकी सोपी होती है टच में, यानी साबुन जैसा इनका टच होता है, बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, कोरोजिव होती है। कोरोजिव कहने का मतलब है जैसे आप ग्लास के उसको कंटेनर में रखोगे अगर बेस, तो वो उसके वॉल को भी क्या करती है? खराब कर देती है, कोरोजिव होती है। ठीक है, सोपी टू टच है, बिटर है, कोरोजिव है, इसको हमें छूना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे हाथों को भी हार्म हो सकता। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल बेसिस आपकी एल्कली कहलाती है, तो यहां से आपका ये निकल के आता है यानी कि सारे एल्कलीज जो होते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, वाटर सोल्यूबल एल्कलीज हैं, तो सारी एल्कली जो हो गई वो आपकी बेस हो गई। लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही बेसिस एल्कली है जो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं, इसके अलावा भी तो कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। तो यहां से आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट निकल के आ रहा है? ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही ऑप्शन है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? ठीक है, विद्युत का चालक कौन होता है? ऐसे सॉल्यूशंस जो अपने मोल्टन स्टेट में या अपने पिघले हुए अवस्था में या लिक्विड में या डिजोल्व अवस्था में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, तो आयंस जो प्रोड्यूस करेंगे वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब हमें पता है एसिड जो होते हैं, जैसे HCl, ठीक है, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो ये आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो आयंस प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, ऐसी बेसिस अगर NaOH की बात करूं, अगर मैं ये एक्वस लूं, इसे वाटर में डिजोल्व किया मैंने, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसमें भी आयंस प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस ये भी क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सॉल्ट तो करता ही है, ठीक है, नमक तो करता ही है, NaCl, इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे कोई भी चीज जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो विनेगर, विनेगर एक एसिड है, CH3COH, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये अपने आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव, तो यहां से विनेगर करेगा। शुगर सॉल्यूशन नहीं करता, शुगर सॉल्यूशन क्या है, आप पे आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, ये नहीं करेगा। सॉल्यूशन अभी हमने देख लिया करेगा, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पर आप कहोगे कि बारिश में भीगे हुए तारे वगैरह होती है उनसे तो करंट लग जाता है, तो देखो बारिश का जो पानी होता है उसमें कई तरह के आपके एसिड्स और सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, वो इम्प्योर होता है। डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां से आपका विनेगर है और सॉल्ट सॉल्यूशन है, कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है? ए और सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अ स्टूडेंट पर्स अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड डिसॉल्व्स द एश ऑफ द रिबन लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। ऑन पोरिंग वन ड्रॉप ईच ऑफ द सॉल्यूशन फर्स्ट इन ब्लू लिटमस एंड देन इन रेड लिटमस सॉल्यूशन ही वुड ऑब्जर्व दैट। देखो, अब यहां पर ना रिएक्शन को समझना थोड़ा सा जरूरी है। यहां पे अ स्टूडेंट बर्न्स मैग्नीशियम रिबन, ठीक है,
अच्छा, आपका एक टॉपिक जब हम कवर करेंगे ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें भी आपका मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का आता है। तो मैग्नीशियम रिबन जब आप बर्न करते हो, मैग्नीशियम एमजी ठीक है मेटल है, बर्निंग किसी भी चीज की कर रहे हो तो मतलब उसे ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करा रहे हो। फिर ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब डिस्टिल्ड वाटर में कंबाइन करोगे आप, तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालोगे तो ये बना देगा MgOH होल ट्वाइस, ये एक बेस बना देगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एसिड और बेस का क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस रेड लिटमस ये इंडिकेटर हमने किया इसलिए मैंने इसे यहां पे लिया है। आप ये मत सोचो कि ये भाई ये रिएक्शन तो हमको आती नहीं, हम कैसे इस तरह क्वेश्चन करेंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करोगे वहां पे यही वाले एग्जांपल्स हैं। हम टू द एनसीईआरटी चल रहे हैं और एनसीईआरटी में आपकी एक एक रिएक्शन जो भी आई हुई है वो हम सब कवर करने वाले। तो अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये क्या है एक बेस है, बेस है। अब अगर आप इस बेस का सोल्यूशन अगर आप क्या किस में डालोगे, ब्लू लिटमस में डालोगे तो क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड में, लेकिन रेड लिटमस में डालोगे तो ये से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा होगा। ठीक है, रेड लिटमस क्या होना चाहिए आपका, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू वेयर एज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है गलत, ये एसिड करता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड यहां पर भी गलत हो जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न कलरलेस ये तो होता ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही। टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, टार्ट्रिक एसिड देखिए किस किस में होता है, लेमन आमला अनराइप मैंगोज एंड ग्रेप्स। तो देखिए ये होता है आपके अनराइप मैंगोज में, ये होता है ग्रेप्स में, यानी सी और डी थर्ड ऑप्शन। अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन रेड लिटमस पेपर, ही वुड ऑब्जर्व दैट। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH होता है, ये भी एक बेस है, और बेस का वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी MgOH में हमने किया। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस में क्या करेगा, ब्लू लिटमस पे जब डालेगा तो ब्लू का ब्लू ही रहना चाहिए, रेड लिटमस पे डालेगा तो वो ब्लू हो जाना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन से होंगे, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड गलत, ये एसिड में होता है, देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, यही ऑप्शन सही लग रहा है। और चेक कर लेते हैं, देयर इज नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड गलत है, ब्लू लिटमस टर्न्स कलरलेस ये भी गलत है। नेक्स्ट, व्हेन वी एड एल्यूमिनियम फॉइल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब एल्यूमिनियम फॉइल डाली है इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग मैचस्टिक, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच प्रमोट्स बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ब्राउन कलर्ड पंजेंट स्मेल गैस, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन पता होनी चाहिए, एल्यूमिनियम फॉइल यानी बेसिकली एल्यूमिनियम डाला है, किसमें डाला है इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला है, NaOH में डाला है। ठीक है, हमने इस रिएक्शन पढ़ा था जब बेस की रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे मेटल के साथ कराओगे तो यहाँ बनता है सॉल्ट। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वैसे ये याद करना जरूरी नहीं है, बस ये याद कर लो मेटल के साथ बेस की रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब इस हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा गया और मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस कैसी है, कलरलेस ओडरलेस और ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ये इसका श्योर शॉट टेस्ट है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी व्हेन दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अब सॉलिड बेकिंग सोडा को उन्होंने ड्राई लिटमस पेपर पे ऑब्जर्व किया है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ड्राई रेड लिटमस पेपर इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब देखो एक चीज जो यहाँ पे जानने वाली है वो ये कि अगर आपका सॉलिड बेकिंग सोडा है तो ये भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, अगर दोनों ही चीजें ड्राई हैं तो ये आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। बेकिंग सोडा हमें पता है क्या होता है, आपका सोडा बाइकार्ब। ठीक है, लेकिन लिटमस पेपर पर अगर आप इसे रगड़ोगे तो आपको किसी भी तरह का कलर चेंज इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां से इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर भी नो चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नो चेंज हमें बी में दिख रहा है, नो चेंज हमको डी में दिख रहा है, और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर भी नो चेंज आना चाहिए और यहां दिख रहा है। तो यहाँ डी में देखो दोनों में नो चेंज है, तो डी का ऑप्शन सही है, यानी कि सेकेंड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो हमने बात करी थी ना कि आपका जैसे एसिड है HCl है, अब एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। अगर मान लो HCl गैस की फॉर्म है, HCl गैस भी होती है, ठीक है, HCl गैस को अगले अगर आप टेस्ट ट्यूब में HCl गैस है और इसके अंदर अगर आप एक ब्लू लिटमस का पेपर डालोगे वो भी ड्राई, तो इसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आयंस में तो ये टूटेगा ही नहीं, आयंस में तो तब टूटेगा ना जब ये मॉइस्ट होगा। ठीक है, जब ये गीला होगा एक्वा सोल्यूशन में होगा तब ये होगा एच पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके इसे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर ये दोनों चीजें ड्राई हैं तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा कलर को। हाँ, अगर ये पेपर मॉइस्ट हो, ये भीगा हुआ पेपर आप इसे HCl गैस में डालेंगे तब इसका कलर रेड हो सकता है।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आयंस प्रोड्यूस होंगे एक्वा सॉल्यूशन में या मॉइस्ट स्टेट में, तभी ये इंडिकेटर का कलर चेंज करेगा. नेक्स्ट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू. तो देखो, इसके लिए मैंने आपकी ये जो रिएक्शन है ये डिस्कस करी थी. लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसे लाइम वाटर बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस ही है, इसके साथ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो आपको क्या मिलता है? यहाँ CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और साथ में यहाँ पर H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है. वाटर ये जो सॉलिड स्टेट में ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, और इसीलिए जो लाइम वाटर है उसमें सफेद रंग का जब ये पीपीटी आ जाता है तो हमको वो मिल्की मिल्की सा, दूधिया सा दिखाई देता है, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल नहीं. सॉल्यूबल होगा तो फिर वो तो डिजॉल्व हो जाएगा. देखिए, व्हाइट पीपीटी आया है, पीपीटी मतलब वो इनसॉल्यूबल है. सफेद रंग का एक पीपीटी प्रेसिपिटेट वहां पे जनरेट हो गया है, अगर आप थोड़ी देर स्टैंडिंग में रख दोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा पीपीटी. कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू लाइम इन लाइम वाटर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कर्डलिंग नहीं हुई है. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ लाइम वाटर, ये भी नहीं है. प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, ये है, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे बन गया, ठीक है. फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल करेक्टर ऑफ सॉल्यूशंस, अ स्टूडेंट टैबुलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन टैबुलेटेड करेक्टली, ठीक है. तो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है और ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से आई है, ठीक है. देखो, ध्यान में रखो, सीटेट में देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं. टेस्ट किस किस का किया है? देखो, NaCl का किया है. NaCl क्या होगा? एक सॉल्ट हुआ जो कि क्या होगा? न्यूट्रल होगा. लाइम वाटर क्या होगा? एसिडिक हुआ, तो एसिड. वेनेगर भी क्या होता है? एसिड, एसिडिक एसिड होता है आपका ये. और वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2, ठीक है. सोप, वॉशिंग सोडा, इन सब चीजों को तो बेसिक ही ले लो. यहां पर पूछा गया है किसका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, तो न्यूट्रल है. देखो, लिटमस पेपर पे नो चेंज, सही है. कलर चेंज ऑफ ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ये गलत हो गया यहां पर, ठीक है. न्यूट्रल सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? तो अब नेक्स्ट पे आ जाओ. लाइम वाटर एसिड है, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, यही यहीं पे गलत हो गया, ठीक है. लाइम वाटर तो एसिड है, ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस को ब्लू में कैसे चेंज करेगा? फिर वेनेगर को देखो, नो चेंज, करेक्ट है. यहाँ पर रेड लिटमस पे कोई चेंज नहीं दिखाएगा, ब्लू लिटमस पे कोई चेंज दिखाया, ये तो गलत हो गया. और लास्ट चेक करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में क्या है? करेक्ट, बेस करता है. ब्लू लिटमस को नो चेंज, ये भी करेक्ट है और बेसिक नेचर है. अच्छा, इसको आप यहां से भी देख सकते थे, डायरेक्ट भी देख सकते हो. जब आपने एक बार यहां मेंशन कर लिया न्यूट्रल एसिडिक बेसिक, तो देखो इस पहले वाले को इन्होंने न्यूट्रल को एसिडिक लिखा है, गलत. एसिड और एसिड हमें पता है, इनको न्यूट्रल न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये भी गलत. सीधे यहां पे आपका चौथा ऑप्शन आ रहा है. आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, केवल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देख के, ठीक है. तो यहां पर आपका डी का यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा. अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ, ठीक है. गोल्डस्मिथ बन के जा रहा था हर दरवाजे पर. ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और वो कह रहा था कि आपके जो पुराने सोने के जो गहने हैं उनके ऊपर मैं चमक वापस ले आऊंगा. अनसस्पेक्टिंग वुमेन, ठीक है, जिसको ज्यादा शक नहीं हो रहा था, उसने अपने गोल्ड के बैंगल्स दिए. जो वो एक सोल्यूशन में डिप करता है, बैंगल्स तो चमक जाती है लेकिन उनका जो वेट है कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है. तो जो सॉल्यूशन यूज किया इम्पोस्टर ने वो क्या था, ठीक है. कंसेंट्रेटेड HCl, मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3, कंसेंट्रेटेड HNO3 या फोर्थ है डाइल्यूट HCl. तो देखो, ये सॉल्यूशन है आपका सेकंड वाला, मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का रेशो 3:1 में इसे मिक्स किया जाता है और ये आपका कहलाता है एक्वारेजिया, ठीक है. तो इसको ध्यान में रखना है, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 का इन द रेशो 3:1, जो आपका गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है, ठीक है. ये एक हाईली फ्यूमिंग लिक्विड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, हाईली कोरोजिव होता है. तो गोल्ड देखिए, इतना आपका जो इस तरह का मेटल है जो आसानी से डिजोल्व नहीं सकता, लेकिन गोल्ड को भी डिजोल्व कर लेता है एक्वारेजिया अपने अंदर, इवन के प्लैटिनम को भी, ठीक है. गोल्ड और प्लैटिनम दोनों को ये डिजोल्व कर लेता है. तो यहाँ पर वही हुआ, जब बैंगल्स को इसमें डिप किया तो उसका जो कुछ पोर्शन है उसमें डिजोल्व हो गया, इस वजह से उसमें चमक तो आ गई लेकिन उसका वेट रिड्यूस हो गया. तो एक बार एरिया को ध्यान में रखना है आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक इन नेचर, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, आर एसिडिक इन नेचर. तो देखिए, ये मैंने आपके वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो आपके होते हैं वो आपके नेचर में होते हैं बेसिक, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर. फोर्थ ऑप्शन. अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH होल ट्वाइस. तो देखिए, डॉक्टर जब हाइपर एसिडिटी के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसमें आपका बेस होता है, ठीक है, क्योंकि जो पेट में एसिड रिलीज होता है HCl,
ये हम न्यूट्रिशन वाला जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी पढ़ेंगे। एचसीएल सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में, और अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में आपका सिक्रीट होता है तो उससे बहुत परेशानी होने लगती है, पेन होने लगता है। तो हाइपर एसिडिटी के केस में बेस दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है, हाई एसिड कंसेंट्रेशन को, जो एसिड बढ़ गया है उसे न्यूट्रलाइज कर सके। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी आपकी, तो इसमें क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब बेस आपको इसमें से दिख ही रहा होगा, जिसमें OH आता है उसको बेस कहते हैं हम। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है AlOH फोर्थ वाइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एंडोथर्मिक, एसिड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है, बेस भी होते हैं, लेकिन एसिड के केस में मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट एसिड का मतलब है, डाइल्यूट तनु मतलब है कि उसमें एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन कम है। कंसेंट्रेटेड आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आपके एच पॉजिटिव की आयंस ज्यादा होंगी, ठीक है, एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो आपसे कंसेंट्रेटेड एसिड कहोगे। तो देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहे हो, ठीक है। उसमें अगर आपने आपके पास एक मान लो एक बीकर है, इसमें आपके पास थोड़ा सा एसिड है, आपने इसमें एसिड में अगर आपने वाटर एड अगर आपने इसमें वाटर मिलाकर इसको डाइल्यूट किया तो इसमें एच पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ डाइल्यूशन। अच्छा अब डाइल्यूशन करते वक्त एसिड में वाटर डालेंगे, ठीक है, एसिड में वाटर डालेंगे या फिर वाटर में एसिड डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना होता है। देखो तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास कंटेनर में हमेशा पहले वाटर होना चाहिए जिसमें आप धीरे धीरे साइड से ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करोगे। अगर एसिड इसमें पहले से होगा और उसमें आप वाटर ऐड करोगे तो इसमें क्या हो सकता है, लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग मतलब जिस जगह पे ये दोनों ऐड होंगे वहां पर, जिस जगह पे ये दोनों मिलेंगे वहां पर बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है, और अचानक बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होने से यहाँ का जो ये जो ग्लास कंटेनर ये टूट सकता है, पूरा मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, एसिड फैल सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो वाटर है आपको बीकर के अंदर लेना है और धीरे धीरे ड्रॉप वाइज विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, हिलाते हुए से ग्लास रॉड से ड्रॉप वाइज आपको एसिड एड करना है। इस तरीके से डाइल्यूशन किया जाता है, ठीक है, और डाइल्यूशन करते वक्त हमेशा आपका एस पॉजिटिव यानी कि आप H3O पॉजिटिव भी कह सकते हो, ठीक है, H पॉजिटिव कहो या फिर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कहो, तो ये इनका आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा रिड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम बेस की बात करें तो वहां OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा, पर यूनिट वॉल्यूम इनका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपके एसिड्स गिवन है और यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स है कुछ वो गिवन है और आपको मैच करना है। तो देखो एसिटिक एसिड आपका किस में होता है, विनेगर में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होता है आपका, कर्ड में होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है। तो आपका ए के साथ आ रहा है फोर, ए के साथ फोर आपका इसी ऑप्शन में, देखो थर्ड वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी के साथ वन है आपका, सी के साथ टू है और डी के साथ थ्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, अनीता प्रिपेयर्ड अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, शी ड्रॉप्ड अ स्मॉल पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट एंड देन ब्रॉट अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, शी हियर्स अ पॉप साउंड, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। वैसे तो देखो जहां पॉप साउंड की बात आ गई इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बता रखा है पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर भी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है यानी OH लिया है और उसमें एल्यूमिनियम का पीस उसने गिरा दिया एल्यूमिनियम, तो देखो ये वही वाली रिएक्शन होगी जो सबसे पहले हमने करी थी आपके इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका एक सॉल्ट बनता है, सॉल्ट मैंने कहा था ज्यादा ध्यान मत रखो, लेकिन आपका अगर कोई भी बेस या कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ दिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थे आपके एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो बच गए थे हमारे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा किस तरह से आपके इन टॉपिक से रिलेटेड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पैडागॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर आप हमारा पैडागॉजी का कोर्स देख सकते हैं। उस पैडागॉजी के कोर्स में आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।